हेलो फ्रेंड्स, कौर देसी तड़का की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, सलाम और नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के बहुत ही फेवरेट क्रिस्पी क्रंची मसालेदार पास्ता। जनरली बच्चों को कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं, बट कुरकुरे बच्चे बाहर के मसालेदार नहीं खा सकते, तो उसी स्टाइल में हम घर पर बनाएंगे मसालेदार क्रंची पास्ता, जो कि बहुत हाइजीनिक होता है और होममेड इज ऑलवेज बेस्ट। तो आइए क्रंची होममेड पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पास्ता लिया है। मैं यहाँ पर ग्लूटेन फ्री पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप नॉर्मल पास्ता या नॉर्मल मैकरोनी भी यूज़ कर सकते हैं। आप पास्ता किसी भी शेप में ले सकते हैं, पाइप, स्पाइरल, मैकरोनी शेप, कोई भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए क्रिस्पी पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी ले लिया है। इसको हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रखना है। साथ ही मैं इसमें बॉईल होते टाइम नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी, ताकि पास्ता जब बॉईल हो इस पानी में तो साथ में चिपके नहीं। ऑयल डालने से पास्ता चिपकता नहीं है। जैसे ही अब ये पानी गर्म होगा, हम इसमें ये पास्ता ऐड कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ये पास्ता ऐड कर देंगे और इसको एक बार मिक्स करके इसको अब थोड़ा सा ढकेंगे, सारा नहीं ढकेंगे, पूरे पैन को हल्का सा ढक के अब इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं पास्ता को बॉईल होते हुए। अब हम आइए इसको चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है और ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है और ना ही टूट रहा है सॉफ्ट होके। देखिए बिल्कुल फर्म है। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। मैंने ठंडा पानी ऑन करा हुआ है टैप में। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छे से नॉर्मल हो जाए और कूल डाउन हो जाए बिल्कुल। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बॉयल है और बिल्कुल फर्म है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ना ही ये टूट रहे हैं। हमें इतना ही बॉयल इसको करना है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। बाउल में जो ये बॉयल पास्ता था वो इसमें डाल लेंगे हम। साथ ही मेरे पास यहाँ पर ग्लूटेन फ्री कॉर्नस्टार्च और ग्लूटेन फ्री मैदा है। आप देख सकते हैं यही ये रहा, ग्लूटेन फ्री कॉर्नस्टार्च है और साथ ही ग्लूटेन फ्री मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर। आप यहाँ पे कोई भी कॉर्नस्टार्च या अरारोट पाउडर, जिसको बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और हमें ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 2 ही टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। आप यहाँ पर टॉस ही करें, कड़छी भी यूज़ कर सकते हैं, बट कड़छी यूज़ करने से कई बारी पास्ता टूटने लग जाता है, तो आप इजीली इसको टॉस भी कर सकते हैं। ये इजीली कोट हो जाता है पास्ता में। अब आप देख सकते हैं कि मैदा और कॉर्नस्टार्च अच्छे से कोट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मैदा और कॉर्नस्टार्च की लेयर पास्ता के ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पास्ता को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इस ऑयल को मैंने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर ही गरम करा है। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है। इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आपको हाथ पे थोड़ा थोड़ा हीट आ रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पास्ता को क्रिस्पी बनाना है, क्रिस्पी करना है। तो जब वो लो मीडियम फ्लेम पर होगा तभी इसमें पास्ता क्रिस्पी होगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पास्ता ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं इसमें। ये ऑयल इस फ्लेम पर ही रहना चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, पास्ता को ऑयल में डाले हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये स्पैचुला डाल के अब इसको हिलाएंगे। 3 से 4 मिनट से पहले आप इसको टच भी नहीं करेंगे। अगर आप घी में फटाफट से इसको स्पैचुला से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। पहले इसकी जो आउटर लेयर है उसको सेट हो लेने दीजिए, क्रिस्पी हो लेने दीजिए, फिर आप इसको
पलटे से या स्पैचुला से किसी से भी इसको ऐसे हिला सकते हैं। और अब इस स्टेज पर यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम से हाई कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप देख सकते हैं पास्ता का कलर लाइट ब्राउन हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इनको इस ऑयल से निकाल लेंगे अलग एक बाउल में। आप देख सकते हैं, इनकी आवाज सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। जैसे ही ये बाउल में जाते हैं तो इनका क्रिस्पीपन से बहुत अच्छी ही आवाज आती है। ऐसे ही हम बाकी पास्ता को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि सारे पास्ता फ्राई हो चुके हैं अच्छे से और ये क्रिस्प भी हैं। देखिए आप इनकी आवाज सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। देखिए, मसाला पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर इसका सिर्फ कलर के लिए लिया है, यहाँ पर ये स्पाइसी नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, साथ ही 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड लिया है। सिट्रिक एसिड को मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया है, बिल्कुल पीस पाउडर बना लिया है। सिट्रिक एसिड ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो रहने दें। अब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से टॉस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ड्राई मसाला थे वो सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आप देखिए, ये है क्रिस्पी मसालेदार पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप ये बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी किसी भी टाइम, टी टाइम, स्नैक टाइम, कभी भी सर्व कर सकते हैं। आइए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चटपटे मसालेदार क्रिस्पी क्रंची पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर वॉचिंग लेटेस्ट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।